आराधना शुरुआत करेंगे। आइए हम सब लोग को यहाँ आकर्षित करके बुलाया। मैं नहीं हूँ, वो परम पिता है, स्वर्गीय पिता यहोवा का नाम से सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। आराधना से हिंदी आराधना प्रारंभ करेंगे। स्वर्गीय पिता ये यहोवा, हम आपके चरणों पर हम लोग आया है। ये रविवार सुबह 7:30 बजे से हम लोग यहाँ इकट्ठा होके आपका यीशु मसीह का, आपका एकलौता बेटा का महिमा प्रकट कर रहा है। वे हमारा गुणगार है, हम सब लोग इबादत करना चाहिए, इसलिए हम लोग इकट्ठा हुआ। अचानक कोई नहीं आया और आपका चमत्कार, आप चंगा देने वाले हो, शक्तिमान हो, मुक्ति विधाता, इसलिए हम आपका साथ गुजारने के आया है, आपका महिमा प्रकट करने के लिए आया है। जो भक्ति गीत गा रहा है उनका साथ रहिए, जोर से असर से गाने के लिए, और हमारा हिंदी क्वायर को भी असर दे दिए, उत्साह बढ़ाने के लिए, आपका महिमा प्रकट करने के लिए। वो यहाँ शामिल है सब लोग आपका महिमा करने के लिए, और वाक्य संदेश भी आप रहिए, हमारा साथ रहिए, मेरा साथ रहिए, मैं आपका सेवक हूँ। आपका पवित्र आत्मा से मुझे मजबूत बनाकर आप उनके मुंह से, लोग यहाँ जो इकट्ठा हुआ उनसे बात करिए और आपका प्रवचन सुनाइए, हम सब मिलके और आगे बढ़े, आपका सुसमाचार बढ़ाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना समर्पित करता हूँ, आमीन। थिंक साम 29 लोग श्याम ग्रुप वाले आएंगे और पढ़ेंगे, और सब लोग उठेंगे, उनका साथ देंगे, हम लोग उनका पढ़ने वाले का साथ देंगे। एक वचन वो सिस्टर पढ़ेगी, दूसरा वचन हम लोग पढ़ेंगे। आइए आज का वचन से हम लोग सुनेंगे साम 29 पद संख्या 1-11। आंधी में परमेश्वर की आवाज। हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हाँ यहोवा ही का गुणवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है, यहोवा लबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। यहोवा की वाणी आग के लपटों को चीरती है। यहोवा की वाणी से हरणियों का गर्भपात हो जाता है, और अरण्य में पत्थर होता है, और उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता रहता है। एक साथ सब लोग पढ़ेंगे। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। अभी सब बाइबल पठन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्याम ग्रुप से, सेंट मार्क चैप्टर 2 वर्सेस 1-6। सेंट मार्क चैप्टर 2 वर्सेस 1-6। संत मार्कस चैप्टर अध्याय 2:1-6 तक पढ़ने के लिए प्रियंका जी आ रहा है। अभी का पाठ वचन है नया नियम से मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय 1-6 तक। लकवे के रोगी को चंगा करना। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवा कर उसके पास ले आए, परंतु भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए।
तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे। यहाँ तक आमीन। अपना आप जाके कपिनों का परिवार को या घर को परिचय नहीं किया, अपने आप नहीं गया, जो बुलाया गया है वहां, वहां लिखा है बार बार फिर आ गया। फिर आना मतलब मैं फादर हूं आपका घर आ गया, फिर फादर जी मनोहर ने फिर आ गया मतलब फिर आना पड़ा, जोसेफ का घर आना पड़ा, राजू का घर आना पड़ा। आना पड़ा मतलब आने के लिए मौका मिला, मौका दिलवाया परमपिता ने, मौका के लिए सोच रहा था वो, और एक अच्छा मौका मिल गया। वो बर्थडे हो और कुछ भी हो, मैरिज डे हो, कुछ भी हो, एक अच्छा कामयाब सफलता प्राप्त करने के बाद उन लोगों ने सोचा उनको बुलाएंगे, बुलाने से अच्छा होगा प्रार्थना करेगा। मैं ऐसे में एक एग्जाम्पल बोल रहा हूं, ऐसे ही यीशु मसीहा ने वो कफरनहूम को बार बार आने के लिए आना पड़ा, उन लोगों ने बुलाया। यीशु मसीह बार बार आना इतना अच्छा नहीं है, मालूम है, एक कलेक्टर, एक एमएलए, एक कोई भी चीफ इंजीनियर हो, बड़ा नाम और काम करने वाला और नाम बढ़ाया, उन लोग इतनी सादा सीधा सादा से एक मामूली सा आदमी जैसे घर आते नहीं है। अगर वो वीआईपी हो तो वीआईआईपी होने से भी हम बुलाने से आएगा। हम देखिए बुधवार दिन होता है तो कॉलेज प्रेयर होता है, बुलाने से आएगा ना, है ना या नहीं? कॉलेज प्रेयर आए बोले बुलाए नहीं है, कैसे? एक कबर आना चाहिए कबर फोन से, ब्रदर यू आर वेरी वेरी गुड डिलाउड, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है आपका परिवार, बीबी बच्चा बाल बच्चा सो एंड सो, एक ट्रम्पेट है ना, टू 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 जैसे ट्रम्पेट जैसे बताया और वो चमत्कार हो गया, वो आ गया। बुलाना नहीं तो आता नहीं है, कोई है ऐसे ना बुला के आने वाला? कोई नहीं है, बुलाना चाहिए, बुलाना चाहिए, नहीं बुलाया नहीं आया, बुलावो आया। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, उन लोग का घर ढूंढ के नहीं आया, अगर उन लोग ने एक बार बुलाया फिर आना पड़ा। क्यों आना पड़ा मतलब यीशु मसीह को क्या अच्छा लगता है, यीशु मसीह का इरादा क्या है और स्वर्गीय पिता का इरादा क्या है, उनका इरादा क्या है, उनका चित्त क्या है, मतलब कहां जो लोग इकट्ठा होगा वहां आके सुसमाचार बढ़ाएगा। यीशु मसीह ने बोला जहां लोग इकट्ठा होता है वहां पहाड़ पर्वत में भी वहां जाके, आप देखा मत्ती में वो पांच अध्याय में, वहां यीशु मसीह शामिल होगा वहां। क्यों? जहां देन वेयर देयर मल्टीट्यूड ऑफ पीपल आर देयर, जीसस विल बी देयर इन द सेंटर, ही इज गोइंग टू गिव द ब्यूटीट्यूड्स इन मैथ्यू चैप्टर 5, ही इज गोइंग टू गिव beatitudes of the people and he is going to bless the people. Tabe Matthew 28 mein bhi hai, Matthew chapter, saying Matthew chapter 18 verses 20 says, where two or more people will gather in my name. Kitna log hai abhi? Do se badh gaya. Two or more people will gather together, there I will be there. जहां दो लोग से बढ़कर तीन चार लोग है वहां मैं इकट्ठा होगा, वहां मैं रहूंगा। मतलब यीशु मसीह का इरादा क्या है, जहां जन संचार होगा, जहां सब जन उनको मिलेगा, लोग होगा वहां जाएगा। किस लिए? किस लिए? किसी का पास जाने के लिए किस तो जरूरत होगा, क्या जरूरत था उनको जाने के लिए? क्योंकि उनका समाचार वो बढ़ाना चाहिए, इसलिए उनका घर में यीशु मसीह पढ़ रहा हूं। तो वहां खबर फैल गई कि वे घर पर है, खबर फैल गई, द न्यूज हैज स्प्रेड। व्हाट इज द न्यूज, व्हाट इज द गुड न्यूज? जीसस इज इन कफरनहूम, जीसस इज इन देयर हाउस, उनका घर का अंदर यीशु मसीहा है करके खबर फैल गई। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर घरवाला उनका यीशु मसीह का खबर नहीं पहुंचाया पहलाया तो यीशु मसीह वहां शामिल है कैसे, सब लोगों को पता चलेगा। इफ यू डोंट कॉल, इफ यू डोंट स्प्रेड द न्यूज दैट जीसस इज देयर,
in the particular house of Capernaum, कैसे स्प्रेड होगा न्यूज, गुड टाइडिंग्स और गॉस्पल, हाउ इट विल गो, हाउ इट विल रीच। मैं बड़ा खबर फैलाना चाहिए, हिंदी आराधना हो रहा है करके कैसे खबर जाएगा, खबर कैसे जाएगा, व्हेन आई गो एंड गिव एन एडवर्टाइजमेंट, व्हेन आई गो मुंह खोलकर मैं बोलने से आएगा, अगर मेरा लब से एक बात चलेगा तो सबको आएगा। लब से बात आ रहा है, आप सुन रहे हैं, बिना बोल के कोई किसी को नहीं मालूम होगा। वो घर इतना अच्छा है कि यीशु मसीहा का कब्र फैल गया। कैसे कब्र? नॉट नेगेटिव सेंस, नॉट अदर वे, वो ऐसा है यीशु मसीह टेढ़ा है पर मेरा है, ऐसा नहीं बोल रहा है। डोंट स्पीक अबाउट नेगेटिव, गॉड वो है अद्भुत करने वाला, चमत्कार करने वाला, वो आने से कुछ तो शांति हो मिलेगा, वो आने से आनंद मिलेगा, इसलिए बार बार उन लोग बुला रहा है और आने के बाद खबर फैला रहा है। मैं एक बात बोलता हूं, खबर फैल गया वो वहां है करके, एक बात बोलता हूं, ये यीशु मसीहा वहां रहने से क्या होगा, घर का अंदर मैं हो गया खा लिया क्या होगा, कुछ तो कमी, घर का अंदर मैं हूं तो और चार बार चाय पी लिया, घर का अंदर मैं हूं दो बार और नाश्ता खा लिया और चार बार क्या होगा, नष्ट होगा, मैं रहने से चार बार कॉफी और दो बार कुछ संतरा और कुछ खा लिया और दो बार नाश्ता कर लिया, मैं रहने से नुकसान पड़ जाएगा। मगर यीशु मसीह वहां रहने से नुकसान नहीं है, फायदा है। क्या फायदा है? What is the use when Jesus is inside in their particular house? What happens? यहां देखिए 12th में Moses 12th says, वहां उठ खड़ा हुआ आओ, चारपाई उठाकर तुरंत सबके देखते देखते वहां बाहर चल पड़ा, निकल पड़ा। वो जो अद्भुत रोगी था, एक रोगी था वो, और वो चार पाई में लेटा हुआ था। अगर घर का अंदर उन लोग चार लोग लेके आया, अगर वो चल नहीं पा रहा था, यीशु मसीह घर में है करके कब्र पहुंचने से क्या हुआ, एक चमत्कार हुआ। चार पाई में लेटकर इतना साल से उठ नहीं पा रहा था, वो उठ गया। यीशु मसीह ने बोला चार पाई उठाओ आप चलो करके एक चमत्कार कर दिया, सबके सामने, सब लोग देखते ही अपना आंखों के सामने से चल पड़ा वहां से, चलते चलते उन लोग चलने वालों को देखा, इसलिए वो लोग बोल रहे चल देखने देखने से आगे को। उन लोग ने बोला अचंभा वो पर गए, सब लोग अचंभा हो गए, सब लोग बोले ऐसे चमत्कार कभी नहीं देखा, हम लोग कभी ऐसे चमत्कार नहीं देखा। यीशु मसीह रहने से क्या है, सब लोग क्यों इकट्ठा हुआ, मतलब क्यों उन लोग इकट्ठा हुआ, चमत्कार हो गया। क्या चमत्कार? जो नहीं चलने पा रहा था वो चल पड़ा वहां से, बोला ऐसे अद्भुत, ऐसे अचंभ हो गए, हो गए आश्चर्य, दे बिकेम एनिग्मैटिक, उन लोग आश्चर्य, एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट कब आएगा आपको, अब चमत्कार कब होगा, अचंभ हो गए उन लोग, मतलब अचंभ आश्चर्य हो गए ऐसे, इट्स कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ओ ऐसे देख कर डर गया, ऐसे कर दिया, हंस दिया, हाँ आंखों में, आंखों में जब थारा निकलेगी तो आप ऐसे डर गए तो ऐसे हो गया, ऐसे एक्सक्लेमेटरी, यू कैन सी एक्सक्लेमेशन ऑन देयर प्ले फेस, उन लोग इतना अचंभ हो गए। यीशु मसीह रहने से सादा सीधा आदमी नहीं है वो, आपका जिंदगी का अंदर जो हो गया तो चमत्कार बनेगा। आप रोग पीड़ित है तो रोग आपसे निकल चले जाएगा, मैं प्रेम रोग के लिए नहीं बोल रहा हूं, जो लोग प्रेम रोग है, प्रेम का रोग है, मैं तो नहीं बोल सकता, वो भी टिक करेगा यहां, जो प्रेम रोग के लिए आता है, प्रेम रोग है उन लोग, उनका दिल भी टिक टाक कर सकता है, मालूम है, चोर है उनका भी टिक टाक कर सकता है, जो पूरा आदत है, आदत पे मजबूर है उन लोग, उनका भी सही ठीक कर सकता है इसमें। जब यीशु मसीह को बुलाओ आपका अंदर, दिल का अंदर, दिल का अंदर समाओ, जब देखो क्या होगा, अचंभ हो जाएगा सब लोग देख के। मैं बोल रहा आई एम स्टैमर, आई एम अनेबल टू स्पीक, मैं जब पढ़ रहा था द स्टैमर, आई कैन स्पीक 24/7 आवर्स, यू जस्ट गिव मी वन कॉफी वन एन आवर, आई कैन एबल टू स्पीक, there is no need to write anything in the Bible,
कभी देखे देखिए, माइक देखे आप काफी बना के देखिए, 24/7 स्टैम और नॉट स्पीकिंग। मैं इतना शर्मीला हूं, मैं बहुत शर्म से किसी से बात करना, शर्म लगता है मुझे बात करने के लिए। ऐसे करता था भाई, ऐसे करता था, वही बात कर रहा हूं, मतलब मैं इतना अच्छा बात करने वाला नहीं हूं। लेकिन वो यीशु मसीह यहां समा है, यहां शामिल है, उनका जो दर्द है मैं उसका जिगर बन गया, इसलिए आवाज उठाकर पुकार कर बोल रहा हूं, क्योंकि ये गुस्सा से नहीं बोल रहा हूं, दिल का चश्मा बना के बोल रहा हूं कि मेरे अंदर समा हुआ यीशु मसीह ने मुझे, मैं भी चारपाई में लेट कर ना चलने वाला था मुझे चला रहा है, जो मैं मर जाने वाला था मुझे मुर्द था मुझे जिंदा बनाया। डॉक्टर ने बोला मर जाएगा, तीन महीने में गुजर जाएगा वो। अगर डॉक्टर का बोल रह गया वो तो चमत्कार नहीं बना, यीशु मसीह का बोल रह गया। क्या बोला? वो मीठा बोल था, आप नहीं मरेगा, तो आप उठो, आप बोलो, ऐसे सबको बताओ यीशु मसीह हाँ इज ए लिविंग गॉड, यू वर ए टेस्टिमनी इज ए लिविंग गॉड। वो मुर्दा को जिंदा बना सकेगा, वो चमत्कार बनेगा, वो आपको चमत्कार बना देगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं यीशु मसीह अंदर आने से, बुलाने से क्या होगा? एक चमत्कार बन, उन लोग अचंभा हो गए और सब लोग इकट्ठा हुआ, उनका खबर फैल गया। अगर आप इतना दिन आ रहे हो तो कुछ ना कुछ चमत्कार बनते रहेगा, एंड खबर फैलने का आदत, मतलब गवाह बनने का आदत हमको नहीं है। आदत से बुरा मत पड़ो, आदत से मजबूर मत पड़ो, जाओ आपका जो कुछ आप जिंदगी में आपने पाया, यीशु मसीह को पाया, आपने ढूंढा, आपका दिल का अंदर बुलाया, घर का अंदर बुलाया, वो आपको क्या किया? एक जैसे कबर फैला। वो कबर फैलाने से खाली कुर्सियां नहीं रहेगा। अगर कबर फैलाने में अच्छा हो गया, कार खरीद लिया, ये बोलता है 10 लाख का कार था 20 लाख में, 20 लाख का कार था 10 लाख में आ गया, यीशु मसीह को जय गवाह। घर नहीं था, अच्छा घर बनाया, वो घर ऐसे बना दिया, जो प्लेस नहीं था प्लॉट बनाया, प्लॉट कब्जा किया और बनाया, कब्जा किया और चर्च बनाया, बोलता है मैं भगवान ने खुदा ग्रेस के चर्च बना दिया, मैं यीशु मसीह को मानता हूं, जय यीशु मसीह। व्हाट इज द टेस्टिमनी, वेर इज द लिविंग टेस्टिमनी, लाइक कैपरनहम, दे केम फॉरवर्ड टू गिव टेस्टिफाई, दे एंथुसियास्टिक विटनेस, दे बिकेम एंथुसियास्टिक विटनेस, दे केम एनोनिमसली Voluntarily came forward telling, खबर फैल कर फैला दिया, घर में यीशु मसीह है तो क्या होगा? वो मुर्दा को जिंदा करेगा। वो चारपाई में चार लोग लेके आया, ऊपर से निकल के उनको आगे लेके आया, तो उठकर चमत्कार हो गया, वो स्वस्थ हो गया, वो चलने पड़ा, वो मुर्द नहीं है अभी, वो लंगड़ा नहीं है, वो भी चलने वाला है, ऐसे चलाएगा जिंदगी। आप जिंदगी के साथ चल के गम उठा के दुख उठा के और बोल रहा है क्या करेंगे, पसीना बहा दिया, जॉब नहीं आया और पढ़ा फेल होते रहा, मैरिज नहीं हुआ, घर नहीं बसाया, लेकिन मानो या ना मानो, मैं बोल रहा हूं मैं मान लिया, तो सब कुछ करने वाला वही है, रखवाला वही है, चलाने वाला। अगर उनको बुलाओ, बुलाएगा अंदर, अच्छा रखेगा, अंदर रख के क्या करेगा? इसमें से अंदर है राजू, है अंदर है, क्या कर रहे हैं अंदर रखे, क्या करेगा? सो जाने का गाना गाएंगे, गाएंगे गाना, सो जाओ अंदर ही, सो जाओ बाहर मत आओ, एक गाना बनाओ जो सब सो जाना, कुछ को बनाओ, आप बाहर नहीं आना, मैं फिदा हो जाऊंगा करके गाना गाओ, जिसका जो आपने महसूस किया उसको आगे बढ़ाकर खबर फैलाओ, जो खबर है आपका सहेलियों को, पड़ोसियों को, सबको बढ़ाओ। What is going to happen? जिसको गाना गाने में आता है, अच्छा सर है, अब आपने गाया जैसे यमन राग में गाया हो, जो एक यमन राग आप जानते हो कितना है उसका अंदर जो राग में, और राग का जो सीक्रेट है बताओ, आप लिख सकते हो बताओ, ऐसे आपका टैलेंट्स को बताते हैं आप। यीशु मसीह का जो अंदर आया क्या हुआ, जो फायदा बताओ और सबको इकट्ठा करो, आपका वो फर्ज है वो निभाओ, और बोलो ये यीशु मसीह आने से शांति आएगा,
यीशु मसीह आने से जो पाप है पाप से निकल पड़ेगा, जो चल नहीं पाएगा वो चलेगा। ऐसे गवाह के लिए देख रहा है, एक ना एक आगे आना चाहिए। मतलब जब आता है कि फिजिकल थिंग्स, व्हेन यू गेट एक्सपीरियंस विद द फिजिकल थिंग्स, दैट इज घर आ गया, कार खरीद लिया, फॉरेन चलेगा, इसके लिए बोल रहे हो। लेकिन यीशु मसीह ने आपका भी चंगा करा वो बोलो, यीशु मसीह ने आपका दर्द दुख मिटाया वो बोलो, उसके लिए गवाह देने वाला आगे आना चाहिए। जैसे आप गाएगा एक गवाह बने, दर्द से गा रहा है ना, वो दर्द से गा रहा है जोसेफ, जिसका अंदर दर्द है, बेदर्दी नहीं है वो। आप सोच रहे हैं बेदर्दी नहीं है वो, दर्द है। हम आम दर्द बनेंगे, हमका आपका अंदर हम दर्दी नहीं, हम लोग जो कुछ हो रहा है उनके देखते हैं हम दर्द नहीं है। एंड यू फील डोंट फील एनीथिंग, वाह चले गया हो गया, केयरलेसनेस एंड लेजीनेस इज द रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग, पोस्टपोनमेंट एनीथिंग, एंड यू वोंट डू प्रॉपरली एनीथिंग इज द मोडस वीवेंट एंड मोडस ऑपरेंडी इज बिकॉज अवर लेजीनेस। दर्दी बनो, हम दर्दी बनो, बेदर्द मत बनो, उसका खबर फैलाओ। उन लोगों ने, चार लोगों ने उनको लेके आया, घर का अंदर रख दिया, किसके लिए, जो हो गया निकल पड़ा, सबको बोला मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया। और दूसरों को वो गवाह यहाँ लाने के लिए एक अच्छा मार्ग होगा। हाँ आ गया, चुपचाप सुन गया, चले गया, कुछ नहीं होगा। खा लिया तो होटल के लिए बोला, कोमल विलास कैसा है, क्या बोलेगा, ची मत जाओ, बोलेगा कोई, बोले कोई है ऐसा तो इतना अच्छा नहीं, लेकिन वाह क्या है, फिंगर लिकर इन KFC। आपको मालूम है KFC में क्या बनाता है, देखा कभी, चिकन कैसे बनता है, चिकन को ऊपर फेदर से कुछ भी है, सर है कुछ भी, टक 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 काटने वाला नहीं है, मिशन के अंदर डालेगा, एक गम जैसे बड़ा आपका है ना, जो आटा बूंदने वाला आटा जैसे, इतना बड़ा लॉलीपॉप जैसे निकल पड़ेगा, इतना मज, उसमें बोन्स है, उसमें सब कुछ है, मारने से नस हो जाएगा, कुछ नहीं देखेगा। हाँ और उसको और मारेगा थोड़ा निकल के, उसमें कुछ तो पाउडर डाल के आपको गर्म करके देगा, आपका अंदर सिर आया या फेदर्स आया सब मिला के खा लिया। अगर वो तो KFC, वो अमेरिका में गरीब का होटल है, वो गरीब खाने वाला होटल है KFC, इज नॉट रॉयल डिप्लोमेटिक पीपल खाने वाला नहीं है, जो बाजार में जो ना खरीद सके मोल करके चले गए KFC आया। यहाँ KFC खाने से KFC खाते हुए एक सेल्फी मारो रखेगा, KFC में खा रहे हम लोग, और जाते जाते अवसर और एक आ जाओ KFC में है, KFC इतना गंदा खाते हो आप, फिंगर लिकरिंग KFC घर का नहीं खाते आप, इसके गरीब के लिए बनाया, इंडिया में बड़ा लोग खा रहे हैं। एक बनाने के साथ रसोई में जाके देखिए आओ, मिशन में क्या पकता है, सर लेग्स सब नश करो, हो गया उसको रखो खा ले, स्वाद नहीं है वो, आपको रोगी बना देगा वो। लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं, KFC ब्रांड है, यू नो मैं रात को KFC में खाया था, नहीं मालूम है, वाह राजू मैं सब लोग KFC में गया था, मालूम है, और चर्च नहीं गया, वो चर्च जाना तो छोटी सी बात है। अगर DFC आ गया फिर उसके लिए एक और एक रखा, दक्षिण KFC का आगे DFC रखा, और एक राजू मैं उठूंगा बोलेगा KFC को बाद ये KFC रखेंगे, क्या है इसमें, अंदर बनने वाले की चीज। फेल गया तो बोला KFC द बेस्ट वन, लुई फिलिप द बेस्ट वन, क्या है टैन अमेरिका बेस्ट वन, लुई फिलिप्स बेस्ट वन, हू सेड दिस द बेस्ट वन, आपने जाके कबर सुनाया बेस्ट वन, जीसस बेस्ट वन, मेरे जिंदगी में क्या, पढ़ाई में आ गया, सफलता प्राप्त किया, आगे बढ़ गया, फॉरेन चले गया, कमाया, घर बसाया, शादी हुआ, उनका काम है रखवाला, वो किया करके आके एक सांस से बोल सकेगा नहीं, तो नहीं मैं कुछ शर्मा रहा है, मैं नहीं बोल सकता, मत बोलिए ऐसे, मत बोलिए ऐसे, बोलने से ही सब लोग को दर्द से गाओ, दिल से गाओ, दिल से बोलो, खबर फैलाओ, वो आएगा तो सीधा साधा मामूली सी आदमी यीशु मसीह नहीं है, वो चमत्कार करता है जिंदगी में, अद्भुत करने वाला। आप अचंबा रह जाते हो तो बोलने भी अचंबा रहते हैं, ऐसे बात आते नहीं है, लेकिन बोलो आपका बोल रह जाएगा, आपका बोल रह जाएगा यहां,
प्रियंका बोल रह जाएगा, संगीता का बोल रह गया, इसलिए प्रियंका को देखते हुए उनका नाम आ गया। संगीता को देखो मैं पहचान सकता हूं, आई कैन आइडेंटिफाई, आई कैन सी संगीता हियर बिकॉज सी हैज गॉन हर नेटिव प्लेस, सी इज नॉट हियर, वो यहां नहीं है, उनका गांव में है, लेकिन दिल में वो है, तो बोलूंगा संगीता आया। फैलाओ खबर, अको रंग अंदर रखो, दिल को अंदर इस मसीह को बुलाओ, उनका गुणगान करो, इबादत करो, उसका महिमा प्रकट करो। इसके लिए आप शामिल हैं, काली कुर्सी में बैठ के जाने के लिए दर्द रहना चाहिए, बेदर्दी मत भरो। प्रार्थना करेंगे, इस मसीह परम पिता का चरणों पर अमलाक आया है आपको पहचान कर आपका कब्र फैलाने के लिए। आप अंदर है तो क्या करेगा, वो चमत्कार क्या है, सब लोग को गवाह बनने के लिए, गवाह बनकर रहो, साक्षी होने के लिए आप हमको आगे बढ़ाइए, विदा करो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना समर्पित करता हूँ, आमीन।